नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर स्थानीय हनुमान मोड़ स्थित अनिकेत पैलेस में बहुजन समाज पार्टी भवनाथपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक अनु चंद्रवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष अनु चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष जितेंद्र, महासचिव सुरेश यादव, कोषाध्यक्ष इजराइल खान, सचिव राहत हुसैन को नियुक्त किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, सभी कार्यकर्ता अपना अपना जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं और पार्टी को मजबूत करें। बसपा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि प्रदेश से लेकर बूथ कमेटी तक पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया जा रहा है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 502 बूथ हैं, सभी बूथों पर बूथ कमेटी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को तैयार करना है, तभी संगठन मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ ताकि भवनाथपुर विधानसभा से बसपा चुनाव जीतेगी। जिला अध्यक्ष लल्लू राम, दिनेश राम, लतीफ अंसारी, रघुराई राम, सुदेश्वर राम, अख्तर अंसारी, राम सकल यादव, गोपी चंद्र राम, मीणा देवी, राजनाथ राम, संतोष पाल, महेश्वर राम, संतु राम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की जो बैठक है भवनाथपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया है और यह बैठक में विधानसभा स्तरीय कमेटी का गठन किया गया और नए सिरे से, क्योंकि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रदेश में, प्रदेश से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तक तमाम कमेटियों को पुनर्गठन किया जा रहा है। आज भवनाथपुर विधानसभा में भी विधानसभा के नया कमेटी का गठन किया गया है और नए कमेटी के जो पदाधिकारी होंगे, तमाम पदाधिकारियों को पूरे विधानसभा में पंचायत से लेकर के प्रखंड कमेटी तक और भवनाथपुर विधानसभा में 502 बूथ हैं, 502 बूथ को बूथ कमेटी गठन करना है, लोगों को तैयार करना है और संगठन को मजबूत करना है, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बहुजन समाज पार्टी भवनाथपुर विधानसभा चुनाव जीत सके, इसके लिए पूरी मजबूती के साथ लोग तैयारी में लगे हुए। कमेटी में धन्यवाद।